हर पोकेमोन किसी एनिमल, किसी बर्ड या किसी इंसेक्ट पर बेस होता है। ये सब मैंने इसलिए कहा क्योंकि आज हम लिस्ट बनाने वाले टॉप 10 डॉग्स पोकेमोन पर। इस लिस्ट में ईवी के एवोल्यूशंस इंक्लूड नहीं है क्योंकि वो डॉग्स नहीं है। लेजेंडरी बीस्ट को भले ही डॉग्स कहा जाता हो पर वो डॉग्स नहीं, लॉयन, टाइगर और पैंथर है। हेलो गाइस, दिस इज प्रकाश, यू आर वॉचिंग बुक टॉक हिंदी। लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। नंबर 10 ग्रैंड बुल। इसको जनरेशन 2 यानी जोटो में इंट्रोड्यूस कराया गया था। अगर आपने एनीमे देखा है तो आपको पता होगा ये कितना गुस्सेल पोकेमोन। इसकी टाइपिंग है फेरी, मुझे पता है ये कहीं से फेरी टाइपिंग नहीं लगता, ये फाइटिंग टाइपिंग ज़्यादा लगता है। नंबर 9 मैनाक्रिक। इसको जनरेशन 3 यानी होइन में इंट्रोड्यूस कराया गया था। होइन के इलेक्ट्रिक टाइप जिम लीडर का ये एक सिग्नेचर पोकेमोन भी है। इसके खुद के पास एक मेगा एवोल्यूशन भी है। ये पोकेमोन ना ही ज़्यादा खास और ना ही बुरा परफॉर्म करता है, ये ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे सकता है गेम में। नंबर 8 जाइगार्ड 10% फॉर्म। क्योंकि ये जाइगार्ड का 10% फॉर्म है इसलिए ये ज़्यादा पावरफुल तो नहीं है, पर इस लिस्ट में जो इसके पीछे थे उनसे तो ये कई ज़्यादा पावरफुल है और ये लेजेंडरी पोकेमोन है इसलिए ये पावरफुल तो हो गई। नंबर 7 स्टाउटलैंड। इसको जनरेशन 5 यूनोवा में इंट्रोड्यूस कराया गया था। ये नॉर्मल टाइप होने की वजह से ये बहुत सारे टाइपिंग के मूव सीख सकता है। ये यूनोवा के जिम लीडर चिड़न के पास भी था, मैंने खुद ने इसको गेम में लेकर देखा है, ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है गेम में और एनिमे में। नंबर 6 बोल्ट। इसको अभी अभी गलार में इंट्रोड्यूस कराया गया है। इसकी टाइपिंग है इलेक्ट्रिक और ये एम्पर का इवोल्यूशन है और ये पर्सनली मेरा फेवरेट पोकेमोन है। मैंने बहुत सारे गेम प्ले देखे पोकेमोन स्वॉर्ड एंड शील्ड के, ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है गेम में और एनिमे का पता नहीं। नंबर 5 आउंडूम। आउंडूम को हम सबने एनिमे में देखा है, ये कितना ही पावरफुल है। अगर ऐश ने इसे पकड़ा होता तो इसकी पॉपुलरिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती। इसके पास मेगा एवोल्यूशन भी जो कि बहुत ही डोप है। नंबर 4 लाइकेनरॉक। लाइकेनरॉक को जनरेशन 7 में इंट्रोड्यूस कराया गया था। लाइकेनरॉक हमारे ऐश के पास भी था जो कि सबसे यूनिक और पावरफुल था और एक लाइकेनरॉक हमें ग्लेडियन के पास भी देखने को मिला था। नंबर 3 आर्कनाइन। आर्कनाइन जनरेशन 1 का पोकेमोन है। आर्कनाइन हमेशा से हमारा फेवरेट रहा। आर्कनाइन को लेजेंडरी पोकेमोन भी कहा जाता है। आर्कनाइन को पोलिस पोकेमोन कहा जाता है क्योंकि पोलिस भी इसे यूज करती है। नंबर 2 लुकारियो। लुकारियो हमेशा से एक फैन फेवरेट पोकेमोन रहा है। लुकारियो को लोग ओरा पोकेमोन भी कहते हैं क्योंकि ये ओरा से दूसरों से बात भी कर सकता है। लुकारियो को जनरेशन 4 में इंट्रोड्यूस कराया गया था। इसके पास खुद का एक मेगा एवोल्यूशन भी है जो कि बहुत ही ओपी है। अभी हाल ही में एस ने एक रियोलू को पकड़ा है, देखते हैं एस लुकारियो में इवॉल्व करेगा या नहीं। नंबर 1 जैसियन और जेमाजेंट। इनको आप स्वॉर्ड पोकेमोन और शील्ड पोकेमोन भी कह सकते हैं। इन लेजेंडरी पोकेमोन को अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस कराया गया है। बात करें इनकी डिजाइन की तो इन दोनों की डिजाइन बहुत ही ऑसम है। एनिमे का तो पता नहीं पर गेम में ये दोनों ही पावरफुल है। स्वॉर्ड पोकेमोन की टाइपिंग है फेरी और स्टील, वहीं शील्ड पोकेमोन की टाइपिंग है फाइटिंग और स्टील। इन दोनों का सिग्नेचर मूव है ना, खास करके जैसिन का, वो बहुत ही ऑसम है भाई।